मुझे मैकेनिक के पास छोड़ के खुद तू लड़की सेट करने में खड़ा हुआ है? क्या कर रहा है? मुझे 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 इससे बात नहीं करने देता। जब मैं इससे बात करने तो बीच में कूद देता। यहाँ पे छोड़ मुझे, पागल है। हेलो फरहान, क्या हुआ भाई? मैकेनिक मिल गया था तुम्हें आराम से? कोई मुश्किल तो नहीं हुई? हाँ मिल गया था। थैंक यू ब्रदर। मैंने कहा था ना कर देगा। अरे जा कहाँ रहे हो? आओ ना वर्कशॉप करते। चाय बनाने जा रहा हूँ। दोपहर से ना धूप में सर में दर्द शुरू हो गई है। चाय पी लूँ? अच्छा सुनो फरहान। कहो। मेरे लिए भी चाय बना दोगे? हाँ बना देता हूँ। हमारे लिए थर्मोस में बना देता हूँ, क्योंकि कप में तो तुम पी नहीं सकोगे। ज्यादा चाहिए होगी ना तुम्हें? नहीं यार, थैंक यू वेरी मच। मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। चाय से वैसे ही मेरी नींद जुड़ जाती है। अब आप लोगों से सुबह मुलाकात होगी। मैं इंतजार करूँगा। गुड नाइट। बाय। हाँ सुबह मिलते हैं। मैं तुम्हारी चाय बना के लाता हूँ, ठीक है? ओके आई विल वेट। मैं सोच रहा था कि फरहीन बेचारी जब हीर की शादी कर देगी तो खुद तो अकेली रह जाएगी ना। मुझे पता था मुझे कि तुम फरहीन को पसंद करते हो और अपने चक्कर में लग गए हो। हाँ तो भाई इसमें कौन सी गलत बात है? मैं फरहीन को पसंद करता हूँ। देखो शाह, मेरे वापस आने तक अगर फरहान हीर से शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। इसलिए फरहीन को छोड़ो और इस मामले पर तवज्जो दो। फरहीन को छोड़ दूं? भाईजान फरहीन को कैसे छोड़ दूं? आखिर वो ये बचपन की मोहब्बत है। शहाब। शहाब। हाँ? तुम किससे बातें कर रहे थे मेरे मुतालिक? भाई साहब की कॉल थी, उनसे बात कर रहा था। किससे बात कर रहे हो तुम? हेलो हेलो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है। लगता तो नहीं है। तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो फरहीन? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। बाहर में जाओ तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फरहीन फरहीन मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी मेरी बात तो सुन लो। चाय अच्छी बना रहे थे। मैं पास्ता भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। So sorry. लेकिन अभी तो मैं यही हूँ ना, दोबारा बना लेना। Done. वैसे थैंक यू सो मच। इसलिए? तुम आज बिल्कुल सही टाइम पर आ गए, वरना वकार को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैकेनिक कहाँ से आएगा, क्या होगा। हीर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब? मेरा मतलब है कि तुम मेरी मेहमान हो ना, इसलिए। कसम से लाइन नहीं मारा, अल्लाह की कसम से लाइन नहीं मारा, मैं सही से बता रहा था तुम्हें। चिल मैन, तुम इतना पैनिक क्यों कर जाते हो? ओके थैंक यू सो मच। हीर, तुम मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछ रही थी ना? हाँ। और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी डैडी ने तुम्हारी शादी किसी चौधरी हशमत की भांजी से फिक्स कर दी, राइट? और मैंने इनकार कर दिया क्योंकि तुम्हें किसी गांव की लड़की से शादी नहीं करनी, ये भी तुमने बताया था। हाँ क्योंकि मुझे कोई समझदार लड़की चाहिए। समझदार की डेफिनेशन? तुम? मेरा मतलब है कि तुम जैसी। मैं तुम्हें समझदार लगती हूँ? तो देखो, मेरे जैसी लड़की मिलना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ मेरे कुछ बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। सोचूंगा। तुम्हें जल्दी सोच लो, ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। सोच तो लिए, और कितना सोचते। ये इश्क और चावल जितना पुराना होता है ना, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती चली जाती है। शहाब, तुम फिर से शुरू हो गए।
अच्छा सॉरी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि ये वकार है कौन? दरअसल वकार जो है वो एक... हेलो गाइस, क्या हुआ, कोई जरूरी बात कर रहे थे आप लोग? जहाँ शहाब हो वहाँ कोई जरूरी बात हो सकती है। मम्मी इस तो ना बोले, he's a good man, right? See? क्या कह रही है तुम्हारी अपनी बेटी, सुन लिया? चलो तुम लोग बातें करो, हम फिर कंटिन्यू करेंगे बाद में। ओके गुड बाय, सी यू। नाइस मैन। तुम ये बताओ कि तुमने क्या सोचा इस बारे में? स्टिल थिंक। सोचना क्या है, फरहान अच्छा लड़का है, फैसला कर लो। हाँ, लड़का तो अच्छा है लेकिन... अब लेकिन क्या? लेकिन इतनी जल्दी क्या? सबर करें, चल करें मम्मी, चल। पता नहीं ये लड़की भी क्या सोच रही है। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। ब्रेकफास्ट नहीं किया आपने? आज मूड नहीं हो रहा था। थोड़ा सा तो कर लेना चाहिए। भाई मेरा मानना है कि इंसान का जब खाने का मूड नहीं हो तो उसे जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आंटी आपने। आपको पता है जो लोग बिला वजह हर वक्त खाना खाते रहते हैं ना, मैंने सुना उनका दिमाग भी तवाज़ुन खराब होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपको पता है जो अपना वकार है ना, है तो बहुत खूबसूरत, हसीन भी है, लेकिन उस बेचारे के साथ भी यही मसला है। अच्छा? जी जी, मैंने खुद उसको देखा है, जंगली जानवरों की तरह खाना खा रहा होता है वो। अच्छा, मगर बज़ाहिर तो वो ऐसा नहीं लगता। यही तो बात है, इसी चक्कर में लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जाहिर से बिल्कुल ठीक लगता है। मेरा मानना है कि इंसान का रिश्ता करवाने से पहले ना उसके दिमाग का जरूर चेक करवा लेना चाहिए, अगर पागल निकला तो बेटे की जिंदगी बर्बाद। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आंटी मैं तो हमेशा ठीक ही कहता हूँ, मगर कोई सुनता ही नहीं मेरी बात। क्यों? चुप, छोड़े आंटी इस बात को। मैंने आपसे जो वकार के बारे में बात कही है ना, आप प्लीज वकार से मत कहना। क्यों? ऐसे ही बेचारे की दिल आजारी होगी ना कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको तो पता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने आपको सच बता दिया सब कुछ। झूठ कभी नहीं बोलूंगा मैं आपसे। मैं चलता हूं, आप चाय पिए। अकेले बैठे हो? तुम्हें और कोई नजर आ रहे हैं यहाँ? नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, अक्सर हीर के साथ बैठे होते हो ना। तुम्हें बुरा लगता है क्या? मुझे क्यों बुरा लगना है भला, वैसे दो इंसानों में इतनी सिमिलैरिटी होना अच्छी बात नहीं है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? अगर तुम हीर को नहीं बताओ तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ। नहीं बताऊंगा, बोलो। मैं हीर के साथ बैठा बातें कर रहा था तो उसकी बातों से मुझे ऐसे लगा जैसे वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, मजाक लग रही है तुम्हें मेरी बातें? यार वैसे मुझे भी ऐसी लगता है ना, है ना? मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ, तुमसे मजबूरी में बात करती है और कुछ भी नहीं है। यार कई बार मुझे भी ऐसा फील हुआ है, लेकिन देख मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि लड़की तो अच्छी है। लड़की तो अच्छी है लेकिन शादी के बाद ना जिंदगी अजाब कर देगी तुम्हारी, जीना आराम कर देगी। वो कैसे? देखो बेजार वो तुमसे अभी से, मोहब्बत शादी के बाद रहती नहीं है, बस गुजारा होता है और तो कुछ भी नहीं। यार बात तो सच है, सोचना पड़ेगा इस बारे में। सोचो सोचो मेरे दोस्त।
तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है कसम से, तुम्हारा ही फायदा है। या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम ऑलरेडी अंदर आ चुके हो फरहान। हाँ, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात? मुझे ये बताओ कि ये वकार के साथ कोई मसला है? कैसा मसला? मेरा मतलब है कि गुस्से का बहुत तेज है। नहीं तो, बिल्कुल भी। अभी मैंने खुद सुना है फोन पे बहुत गुस्से में बात कर रहा था। अच्छा? हाँ हाँ, और गालियां भी दे रहा था इतनी बड़ी बड़ी। क्या? हाँ, अरे मैं तो उसे बहुत मुहज्जब इंसान समझता था। किससे गुस्से में बात कर रहा था? शायद कोई लड़की थी। लड़की? हाँ हाँ, इतना हैरान क्यों हो रही हो? शादी से पहले सबके अफेयर्स होते हैं। वो क्या बात कर रहा था? अब मेरा मतलब है, लड़की क्या बात कर रही थी? बात, लड़की ने कहा कि वकार तुम धोखेबाज हो, तुमने तो कहा था कि शादी के बाद भी मुझसे मोहब्बत करोगे। उस पर वकार ने कहा कि हाँ हाँ, अगर मेरी बीवी ने मुझे इजाजत दी तो मैं शादी के बाद भी तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। What? ये क्या बकवास है? मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। लेकिन फरहान, तुमने लड़की की बातें कैसे सुनी? मैं कमरे से गुजर रहा था तो वो स्पीकर ऑन करके बातें कर रहा था। सोचो, लड़कियों से स्पीकर ऑन करके कैसे लड़के बातें करते हैं, सोचो। सर, काम हो गया। कंफर्म बात है, काम पक्का हुआ। सर मैं बता रहा हूँ ना, फरहान हीर से शादी करने के लिए दीवाना हुआ जा रहा है। हाय हाय, मजा आ गया, गुड जॉब। ये लो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चाचू 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 चाचू, अरे बहुत खुश हूँ। क्यों, खैरियत? मैंने अपने रास्ते का कांटा साफ कर दिया। कैसे कांटा? वकार, वकार कांटा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अब वकार हीर से शादी नहीं करेगा। और ये बात तुम्हें किसने बताया? मैं बता रहा हूँ ना आपको। फिलहाल आप हीर की मम्मी के पास जाएं और उनसे मेरे रिश्ते की बात करें। अच्छा, वैसे मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात करनी है? देखो भतीजे, मैं फरीन से हमेशा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं उसे जाके फाइनली शादी का प्रपोजल दे दूँ। क्या, ये कैसे कर सकते हैं आप? अकेला नहीं रह सकता, मैं बस जा रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया। नहीं 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 चाचू, ये अभी ना करें। देखे, मेरा काम होने दे, आप मेरा काम भी खराब करेंगे अपने काम के चक्कर में। As if I care. चाचू मेरी बात सुने, मेरी शादी हो ना उसके बाद आप करना। चाचू मेरी बात तो सुन ले। चाचू चाचू मेरी बात। नहीं नहीं, आज मैं बात करके रहूंगा यार, बहुत हो गई। चाचू को पता नहीं क्या हो गया, अपने चक्कर में मेरा भी काम खराब कराएंगे। क्या बड़बड़ा रहे हो, क्यों परेशान खड़े हो? सो बोलो, क्या बड़बड़ा रहे हो, क्यों परेशान खड़े हो? वंदना, चाचू की लड़ाई हो रही है। किससे? तुम्हारी अम्मी से। और किससे? क्यों? हीर, बस यहाँ से चलो, मैं हम एक मिनट यहाँ नहीं रह सकते। क्या हो गया है मम्मी, क्यों क्यों गुस्से में आप? ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस मैंने कहा है अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन मम्मी। हाँ ठीक, मेरी बात सुने, क्या हो गया ही समझाओ ना अपनी मम्मी को। हाँ। मम्मी समझे ना, बस बहुत हो गया, हद होती है हर चीज की, अब तुम चलो यहाँ से। अरे मम्मी, मेरी बात तो सुने मम्मी। बात तो सुनो, चली गई यार, हो गई तसल्ली। आंटी। अरे आंटी, भाई साहब अपने बिजनेस टूर से वापस आ चुके हैं, उनसे जाकर मिल लो।
मुझे किसी से नहीं मिलना। क्यों? कि मेरी शादी हीर से हो सकती थी, सारा खेल आपकी वजह से खराब हुआ। तुम्हारा खेल तो कभी बना ही नहीं था मुन्ने। अच्छा बस कर दें, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको पता हीर मुझसे इतने अच्छे से बात करती थी। ऐसे तो फरीन भी मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी। आप तो रहने ही दें, अपनी मिसालें ना ही दें, आप तो अच्छे। अच्छा अच्छा नहीं दे रहा मिसालें, लेकिन लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होगा, जो होना था हो गया आपकी वजह से। अच्छा ठीक है, मेरी वजह से ओके। लेकिन जाके बाबा से मिलो, वो तुम्हारा फैसला सुनना चाहते हैं कि तुम चौधरी हसमुख की भांजी से शादी करोगे या नहीं। चाचू मैं क्या फैसला करूंगा? देखो हीर तो तुम्हें मिल नहीं सकी, अब अपनी जिद के चक्कर में अपने बाप का दिल मत तोड़। चलो जाके मिलो। गुड बॉय, उठो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। Come in. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आपका ट्रिप? बैठो बेटा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है, तुम उससे शादी के लिए रजामंद हो या नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूं बेटा। डैडी आप जैसा चाह रहे हैं ना वैसा ही होगा। बेटे तुमने तो मुझे खुश कर दिया बेटा, मैं तुम पर फखर करता हूँ बेटे। मुझे मालूम था कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाओगे। मैं इसी हफ्ते तुम्हारी शादी का इंतजाम करता हूँ बेटे। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। देखिए मुझे मालूम है कि आज आपकी शादी हुई है तो आपको लग रहा होगा कि जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। ये शादी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है। मैं कभी भी एक अच्छा शौहर नहीं बन सकूंगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, पर उसके अलावा किसी और को दिल में जगह नहीं दे सकता। आप हंस रही हैं? मैं सच कह रहा हूं, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। जी हाँ, क्योंकि डायलॉगबाजी बहुत अच्छी कर लेते हो तुम। हाँ मैं। तो तुम यहां कैसे? क्योंकि मैं ही चौधरी हशमत की भांजी हूं। क्या? हाँ लेकिन पता है मुझे बहुत अफसोस हो, क्योंकि तुम तो एक अच्छे शौहर कभी नहीं बन पाओगे और ना ही तुम अपनी बीवी को खुश रख पाओगे। बिकॉज यू लव समवन एल्स। तो ठीक है फिर मैं चली जाती हूँ यार, क्या फायदा मेरा रहने का, तुम तो किसी और से प्यार करते हो। नहीं हीर, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अभी कह तो रहा था कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, तुम ही तो हो। पक्की बात है फरहान सर? हाँ पक्की बात है। तुम्हें पता तुम बहुत अच्छे हो फरहान। ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम हीर चौधरी हशमत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें समझना है कि ये सब क्या हो रहा है तो बाहर चले जाओ, तुम्हें सब समझा दिया जाएगा। भाई इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट अच्छा आया, मुझे तो ये खुशी हो रही है। हाँ थैंक यू बाय द वे। चाचू सब तुम्हारा प्लान था। चाचू मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी शादी हीर से हो रही है? नहीं तुम्हारी शादी चौधरी हशमत की भांजी से ही हो रही है। एक ही बात है, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम ये समझ रहे थे कि हम किसी गाँव से आ रहे हैं, इसीलिए तुमने शादी से इनकार किया।
आंटी आप तो चाचू से नाराज होकर घर छोड़ के चली गई थी ना, वो सब एक ड्रामा था। ये जो फरहान है ना, ये हीरे से शादी के लिए राजी हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन इस शादी को इतनी आसानी से नहीं होने देना हमने। क्या मतलब? हमें एक ड्रामा रचाना होगा। कौन सा ड्रामा, कैसा ड्रामा? गुड आइडिया। मुबारक हो दोस्त। वकार, तुम? वकार नहीं, फराज। नहीं, वकार है ये। अरे वकार तो उनका फर्जी नाम है, असल नाम तो उसका फराज है। ये एक थिएटर का बहुत अच्छा एक्टर है। चाचू, ये सब कुछ आपने प्लान किया था? हाँ भाई, क्या करूं, सीधी तरह तो मान नहीं रहे थे, तो फिर ये ड्रामा करना पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हीर, तुम्हें भी सब कुछ पहले से मालूम था? हाँ मालूम था। हाँ पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब मुझे पता चला कि शहाब अंकल ये सब प्लान कर रहे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। आई कांट बिलीव दिस। वालदैन हमेशा औलाद की भलाई का सोचते हैं, उनके फैसलों पे शक नहीं करते। आई लव यू डैड। जी तेरा। ए भाई, एक यार रुलाएगा? ये इतना अच्छा मौका है और ये मौका दोबारा नहीं आएगा, लिहाजा एक फैमिली पिक्चर होनी चाहिए। करीबा करीबा, तुम भी करीबा, तुम भी करीबा। चलो तुम कभी बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से। नहीं ना, क्लिक।